दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों, मैं उन तमाम सत्ता में बैठे रहनुमाओं विपक्ष में बैठे प्रतिवादियों से सवाल नहीं पूछना चाहता कि आपने वादा किया था आप हर वर्ष हमारे देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उस हिसाब से अगर हम दर से आकलन करें तो पाते हैं कि 5 वर्ष में 10 करोड़ रोजगार होने चाहिए हमारे देश में। मैं नहीं पूछना चाहता आप रोजगार दे पाए नहीं दे पाए, मैं नहीं पूछना चाहता कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी तो क्यों बढ़ी, आपने वादा किया था बेरोजगारी घटेगी क्यों नहीं घटी, तमाम सवालों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, किंतु मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे देश की जनता को इस सवाल का जवाब दिया जाए कि आपका किस प्रकार का न्याय है, आपके किस प्रकार की नीतियाँ हैं कि हमारे देश में 10वीं पढ़ी लिखी हमारे देश की शिक्षा मंत्री है और हमारे देश में डॉक्टर MBBS करने वाले व्यक्ति हमारे देश में चपरासी कार्य कर रहे हैं, हमारे स्कूलों में चपरासी डॉक्टरी करने वाले व्यक्ति और हमारे देश में 10वीं पढ़ी लिखी शिक्षा मंत्री। क्या आप तमाम लोगों ने इस प्रकार के देश के निर्माण के लिए भ्रष्ट विमानों को मत डाला था? क्या आप लोगों ने इस प्रकार के देश के निर्माण के लिए जहाँ 10वीं पढ़ी लिखी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो और डॉक्टरी करने वाला व्यक्ति चपरासी हो? क्या हमारे देश में नशे का व्यापार बढ़े? क्या हमारे देश की महिलाओं बेटियों बहनों पर अत्याचार हो? क्या आपने इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे देश के उन भ्रष्ट बेईमान राजनेता को मत दिया था? इस सवाल पर आप तमाम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों, आज हम आप लोगों को चीज समझने की जरूरत है कि आज हमारे देश की असमता, आज हमारे देश का गौरव, आज हमारे देश का गर्व, आज हम लोगों को अपने देश पर जो आन और बान और शान जो हुआ करती थी आज वो खतरे में है। जो देश, जो भारत देश, आप लोग इतिहास में जाकर देख लीजिएगा, हमारे भारत देश की कभी भी नारियां निर्बल नहीं होती, हर समय सबल थी। वर्तमान समय में अगर हमारे देश की नारियां महिला बेटियां निर्बल हैं तो निर्बल है भ्रष्ट बेईमानों की भ्रष्टाचार की नीतियों से, भ्रष्ट बेईमानों की फलस्वरूप। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गो, एक छोटे से सवाल पर आप तमाम लोग विचार कर लीजिएगा, घर जाने के बाद विचार कर लीजिएगा कि आज समाज में दुराचार के रूप में क्या बढ़ रहा है, समाज में नशा बढ़ रहा है, नशा समाज की सबसे बड़ी विभिषिका है और वर्तमान समय की परेशानियों को गिनाते हुए मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारे देश की 50% से अधिक परेशानियों के पीछे नशा है। आज जहाँ बात की जाती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, तो जब दूसरी ओर आईना देखते हैं तो हंसी आती है कि एक तरफ इन भ्रष्ट बेईमानों के द्वारा हमारे देश में नशे का व्यापार किया जाता है तो दूसरी तरफ इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे देश में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, इन लोगों के द्वारा ही हमारे देश के युवाओं को विवेकहीन बनाया जाता है, हमारे देश के युवाओं को शक्तिहीन बनाया जाता है, हमारे देश की महिलाओं बेटियों बहनों पर अत्याचार को बढ़ावा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ इन्हीं भ्रष्ट बेईमानों के द्वारा हमारे देश में महिला थाने खुलवाए जाते हैं, अनेकों नारी सशक्तिकरण के नीतियां लाई जाती हैं। एक तरफ जहां इन लोगों के द्वारा ही हमारे देश के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाता है, नशे करने वाले व्यक्ति शाम को घर आने से पहले यह नहीं देखेगा कि उसके सब्जी वाले रेडी पर जाना है नहीं जाना है, घर परिवार से सब्जी लेके जानी है, फल फ्रूट लेके जानी है, यह नहीं सोचता। नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति यह समझता है कि केवल और केवल उसे शाम को ठेका दिखाई पड़ता है। ये जिस प्रकार की मानसिकता आज हमारे देश में बनाई जा रही है, जिस प्रकार के देश का निर्माण हमारे देश के भ्रष्ट बेईमानों के द्वारा किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से अद्वितीय है और यह निश्चित रूप से हम तमाम मतदाताओं के लिए चिंता का विषय है। और मेरा यह मानना है कि आप लोग अगर देश का विकास चाहते हैं तो आप लोगों को यह बात बड़ी दिखाई देगी, किंतु इस बात पर आपको विचार करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि आज हमारे देश को कोई सबल बना सकती है, आज हमारे देश का कोई उत्थान कर सकती है, आज हमारे देश से भय भूत भ्रष्टाचार अधर मनित के अन्याय को दूर कर सकती है, आज यदि कोई पार्टी हमारे देश के किसानों को सबल बना सकती है, आज कोई पार्टी किसानों को मजबूत बना सकती है, आज कोई पार्टी हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है, आज कोई पार्टी गरीब मजलूम लोगों को उनकी सुनवाई दे सकती है, तो केवल केवल भारतीय शक्ति इतना पार्टी है जो और उसी भारतीय शक्ति इतना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज जसवंत कालवा जी हम तमाम लोगों के बीच आए हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह हमारी भी भूख है कि केवल राजनीति, अपनी राजनीति में अपना पैसा कमाया, अपनी जेबें भरी, जनता की जेबें काटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तमाम लोग इस विषय पर विचार करके देखिएगा कि जिस समय भगवान श्री राम थे उस समय दूसरे भगवान रावण भी था, जिस समय हमारे देश में द्वापर के युग के दौरान कंस था तो उसके दूसरी ओर हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण भी थे, जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान एक तरफ अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण था, एक तरफ अंग्रेजों की वो नीतियां थी जिन नीतियों के माध्यम से हमारे देश के किसान, हमारे देश के नागरिक कमजोर हो रहे थे, तो उसकी दूसरी ओर हमारे देश की आजादी दिलाने के लिए 8 लाख से अधिक लोगों की कुर्बानी भी थी। स्थिति को आप तमाम लोग अपने मन में बिठा लीजिएगा, यदि आज हमारे देश में एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ धन भी है, एक तरफ आज हमारे देश में एक तरफ भ्रष्टाचार है तो दूसरी तरफ ईमानदारी भी है, इस चीज पर आप तमाम लोगों को विचार करने की जरूरत है। और
वर्तमान समय की ईमानदारी भारतीय शक्ति जीतना पाती है। और इस चीज को कहते वक्त मैं बताने को सबूत है, जिन सबूतों को मैं तमाम लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि भारतीय शक्ति जीतना पार्टी विश्व की एकमात्र वह राजनीतिक दल है, एकमात्र वह पार्टी है जो धर्म नीति पर आधारित है, विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी जिसका हर प्रत्याशी हर पदाधिकारी नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावानों का जीवन जीता है, खुद नशे मान से मुक्त जीवन जी रहा होता है, लोगों को नशे मान से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा होता है, खुद भय भूख भ्रष्टाचार के कार्य में संलिप्त नहीं होता और देश को भी भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात कह रहा होता है, वह खुद महिलाओं का मान सम्मान करता है, महिलाओं को सबल बनाने के कार्य करता है, साथ ही समाज को भी महिलाओं को सम्मान महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए निर्देशित करने का कार्य करता है। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों साथ ही आप लोग इस बात पर विचार कर लीजिएगा कि मैं सवाल है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न भी है, जो प्रश्न आप अपने गांव में आने वाले हर राजनेता से पूछ सकते हैं और उस प्रश्न और सवाल के माध्यम से ही आप यह बात भी तय कर सकते हैं कि आपका मत पाने का मूल अधिकारी कौन है, आपका मत प्राप्त करने का सच्चा और सत्यवादी अधिकारी कौन है, कि आपके गांव में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव तक आने वाले हर प्रत्याशी से हर किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी हो, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार हो, उस उम्मीदवार से आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा कि क्या तुम नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावानों का जीवन जीते हो, क्या तुमने लोगों को नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावानों का जीवन जीने की प्रेरणा दी, क्या तुम खुद नशामुक्त रहते हुए तुमने किसी भी व्यक्ति को किसी समाज के किसी भी व्यक्ति को नशामुक्त कराया है कि नहीं कराया है, क्या तुम खुद भय भूख भ्रष्टाचार से अधर्म नीति अन्याय से कोसों दूर रहते हो और समाज को भी भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का प्रयास करते हो, तो मेरा मानना है कि आप 12 मई तक ऐसे किसी भी राजनेता उम्मीदवार को नहीं पाएंगे जो व्यक्ति यह कह सके, सिर उठाकर यह कह सके कि वो तीनों सवालों का जवाब देने में समर्थ है। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों केवल और केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी जसवंत कालरा जी उन तीनों सवालों का जवाब सकारात्मक रूप से दे सकते हैं। नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावानों का जीवन जीते हैं, समाज को जीवन जीने अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन जो कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की पोषक धारा है, भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ मिलकर समाज को नशामुक्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन की भी परवाह न रखते हुए भय भूत भ्रष्टाचार अधर्म नीति अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों एक विचार और आप अपने मन में डाल दीजिएगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति के मायने बदलने आई है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति करने नहीं बल्कि हमारे देश में उस पुरातन शाश्वत राजधर्म को अपनाने आई है जिस राजधर्म का पालन हमारे देश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उस राजधर्म को हमारे देश में स्थापित करने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आप तमाम लोगों से मत और समर्थन की आशा करती है। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रमाणिकता यह नहीं है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी बनने की प्रमाणिकता यह नहीं है कि क्या तुम धनवान हो, हमारे पास पैसा है, यह प्रमाणिकता हमारी पार्टी की नहीं है। हमारी पार्टी की यह प्रमाणिकता है कि कोई भी व्यक्ति समाज से निकल कर आए जो नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावानों का जीवन जीता हो, भय भूख भ्रष्टाचार का विरोध करता हो और समाज में भी भय भूख भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करता हो, और यह बात मैं यहाँ इस मंच से वादे के साथ कह सकता हूँ, यह बात शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आप ऐसी कोई अन्य पार्टी नहीं पाएंगे जो पार्टी सिर उठाकर यह कह सके कि उनके पार्टी का हर प्रत्याशी पदाधिकारी नशे मान से मुक्त जीवन जीता है। यह आप तमाम ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि आप लोगों को ऐसे प्रत्याशी को मत देने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो प्रत्याशी नशे मान से मुक्त जीवन जीता है, वरना आज आपको ऐसा प्रत्याशी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उस विचारधारा पर कार्य कर रही है जिस विचारधारा के बारे में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी ने सोचा था, जिस विचारधारा जिस देश की परिकल्पना हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने की थी, जिस देश की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जिस देश की परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिस देश की परिकल्पना हमारे देश के लिए हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन की बलिदानी देने वाले उन तमाम 8 लाख शहीदों ने की थी, हमारे देश की परिकल्पना जिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान ने की थी, उस देश के निर्माण के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आप तमाम लोगों से मत और समर्थन मांगती है। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम अन्य राजनीतिक दलों की तरह ढोंगी नहीं है, अन्य राजनीतिक दलों की तरह दोमुंही चाले नहीं करते। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े हर जाति को हर धर्म को हर संप्रदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, किसी भी प्रकार का जाति धर्म संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है और न ही ऊंच नीच कांगड़े पिछड़े का कोई भेदभाव है। दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों हमारी पार्टी के लिए वह व्यक्ति भी उतना सम्माननीय है जो गरीबी में जीवन जी रहा है, वह व्यक्ति भी उतना सम्माननीय जो अमीर है धनवान है।